भरती है, जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, और ये बदलाव क्यों जरूरी है, माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो झोला लेकर के माथा पर आटा लाद करके पटना में जाते होंगे रेलवे का तैयारी करते हुए, तो जब रोटी बनाते हैं तो रोटी को पलटना पड़ता है ना, नहीं पलटे में जर नहीं जाएगा रोटी। 15 साल हो गया इस सरकार को, सरकार पलटना चाहिए कि नहीं पलटना चाहिए, तो जब रोटी बनाते हैं तो रोटी को पलटना पड़ता है ना, नहीं पलटे में जर नहीं जाएगा रोटी। 15 साल हो गया इस सरकार को, सरकार पलटना चाहिए कि नहीं पलटना चाहिए। बूंद बूंद घड़ा भरता है तो बूंद बूंद घड़ा खाली भी हो जाता है। मन में कोई धड़ी धोखा नहीं रखिए, लेने देने पार कर देना है, इस पार की ऊपर सतेंद्र जी को विधानसभा पहुंचाना है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये चुनाव खास है, इसमें दो बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। पहला तो ये पुरन खटोला लेकर के बेटे, कोई बात नहीं, अरे आपको कौन नहीं जानता है, आप ऐसा कैंडिडेट थोड़ी हैं कि बरसाती मेढक की तरह आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, आपको इनके बीच में रहने वाले आदमी हैं, आपको अपना चेहरा दिखाने का जरूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा, लोगों के लिए जो आपने लड़ा है इनका ईमान बोलेगा। कह रहा था कि चुनाव में दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये उरन खटोला लेकर के लोग घूम रहे हैं, अब बुतरू सब उसको चील गाड़ी बोलता है, हम लोग भी पीछे पीछे दौड़ते थे और कहते थे चील गाड़ी जा रहा है। चील गाड़ी पे जो घूमने वाले हैं वो आकर के बिहार में इधर उधर की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है बिहार का मुद्दा क्या है। जाके